अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। टीपी नगर थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार के नाम पर घर में घुसे बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वे 20 तोला सोना लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। कॉलोनी में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामले में गार्ड पर शक जताते हुए हिरासत में ले लिया है। मामला है मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र स्थित गणपति एनक्लेव का। यहां के रहने वाले अंकुर गुप्ता परिवार के साथ मकान का ताला लगाकर भजन कीर्तन में गए हुए थे। कुछ देर बाद ही ब्लू स्विफ्ट में बदमाश आए। उन्होंने कॉलोनी के गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड्स को बताया कि वह चुनाव प्रचार के लिए अंदर जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि बदमाश अंदर जाकर लूट की घटना को अंजाम भी दे आए और सुरक्षा गार्ड को इसकी भनक तक नहीं लगी। अंकुर गुप्ता के मकान से कुछ आवाजें सुनने के बाद पड़ोस की मधुबाला गेट पर पहुंची। पहले तो उसने सोचा कि ये लोग अंकुर के रिश्तेदार हैं, लेकिन गेट का ताला टूटा देख मधुबाला शॉक्ड हो गई। उसने शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसके सिर पर तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी दी। वो नजारा देख मधुबाला सहम गई और खामोश हो गई। बदमाशों के जाने के बाद ही महिला ने सारी जानकारी अंकुर गुप्ता को दी। जब वह घर पहुंचे तो इस तरह सामान तितर बितर देखकर उनके पैरों तले जमीन सटक गई। उनके मुताबिक बदमाश 20 तोला सोना और लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। अंकुर गुप्ता ने तुरंत जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल सुरक्षा गार्ड को हिरासत में ले लिया है। घटना में सुरक्षा गार्ड के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आरोपी कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।